आज हम बात करने वाले हैं SQL सर्वर की सेटअप फेलर के बारे में। जब हम अपना SQL सर्वर 2014-12 कोई भी SQL सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही एरर आ जाती है और द SQL सर्वर लाइसेंस अग्रीमेंट कैन नॉट बी लोकेटेड फॉर द सिलेक्टेड एडिशन eval। दिस कुड बी ए रिजल्ट ऑफ करप्टेड मीडिया और द एडिशन बीइंग अनसपोर्टेड बाय द मीडिया। दो रीजंस है, या तो आपकी जो SQL सर्वर जो आपने इंस्टॉल कराया अनऑथेंटिकेटेड सोर्स से किसी से किया होगा, या वो करप्ट है, और या फिर अपडेट्स का इशू है कुछ। तो ये दो रीजंस आपके हो सकते हैं। मैं आपको दोनों का सलूशन बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, हमारी अपडेट्स हैं वो आप इंस्टॉल कर लो। विंडो अपडेट्स, आप विंडो की दबाओ और अपडेट्स लिखो, ठीक है। यहाँ पे लिखो अपडेट्स, बस आप अपडेट्स पे क्लिक कर लीजिए, आपके ऐसे अपडेट्स खुल जाएंगे। तो जैसे ही आपका ये विंडो खुलेगा दिखेगा आपको यहाँ पे पूरा, जैसे मेरा विंडो अप टू डेट है, बिल्कुल अपडेट है, होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। तो इसमें अपडेट्स में हमारे बहुत सारी अपडेट्स हैं, विंडो सिक्योरिटी है, विंडो अपडेट्स हैं, सारे अपनी चेक कर लें। कोई भी मतलब कि एक्टिवेशन, कोई भी यहाँ पे चीज़ पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। आपका विंडो मेरा 10 है, एकदम अप टू डेट, विंडो सिक्योरिटी अपडेट है हमारी, सब ये चीज़ें अपडेट्स आप अपनी चेक कर लें। एडवांस ऑप्शंस में भी जाके आप अपनी अपडेट्स वगैरह देख लें, यहाँ पे चेक कर दें कि हाँ हमेशा अपडेट्स आपकी होती रहें। आप जैसे यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ दिख जाएगा अगर अपडेट पेंडिंग होगी तो। अपडेट आप रखिए मेरा सिस्टम को। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि हाँ भाई अपडेट करने से कोई इशू आएगा, कोई प्रॉब्लम होगी, विंडो अपने प्रोजेक्ट वगैरह चला रहे हो उनमें कोई इशू आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपडेट रखिए अपनी पीसी को। तो एक चीज़ ये है, ऐसा करके देख लीजिए फिर इंस्टॉल करके देखिए। अपडेट्स सारी चेक करने के बाद अगर आप विंडो 7 या पुराना विंडो यूज़ कर रहे हैं तो MUI अपडेट्स, यानी MUI अपडेट्स चेक कर लीजिए। MUI लिख दीजिएगा, आपको तुरंत ऐसे ही आ जाएंगे अपडेट्स, है ना, वो वहाँ पे अपडेटेड होना चाहिए। और या फिर दूसरा तरीका है कि आप अपना दूसरा SQL सर्वर इंस्टॉल कीजिए माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। कैसे करना है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका लिंक मैं डाल दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ये आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, फ्री ट्रायल एवोल्यूशन, डेवलपर एडिशन, एक्सप्रेस एडिशन। तो आपको ये वाला करना है, डेवलपर एडिशन, ये फ्री होगा और सभी आपको इसमें फीचर्स मिलेंगे। तो इसका मैं लिंक आपको डाल दूंगा और फिर आप आराम से इंस्टॉल करिए, दोबारा डाउनलोड करके, कोई इशू नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें, सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स में टैग करें, लाइक करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।